हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है थिंक अबाउट प्लांट पर। DIY प्लांटर से रिलेटेड एक और वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहला प्लांटर है प्लास्टिक बॉटल से तैयार किया गया एक प्लांटर। इसमें मैंने वॉन्डरिंग जीव लगाया है और आप देख ही रहे हैं कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसमें इसकी मैंने कटिंग लगाई थी और ये अच्छे से ग्रो हो गया है इस प्लांटर में। तो वॉन्डरिंग जीव जो है कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है, तो इस तरह के प्लांटर में आप इस तरह के प्लांट को ट्राई कर सकते हैं। इस प्लांटर को मैंने प्लास्टिक बॉटल से तैयार किया है और कलर करके इसमें बटरफ्लाई बनाई है। और इन सभी प्लांटर्स में मैंने पीछे छेद करके जो है कील में हैंग करने के लिए बनाया है। सेकंड प्लांटर जो है इसमें मैंने मनी प्लांट लगाया है और छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए हैं इस प्लांटर में। तो आप अपने प्लांटर में छोटे छोटे फ्लावर भी ट्राई कर सकते हैं बनाने के लिए। काफ़ी सुंदर दिखते हैं ये फ्लावर्स अगर आप अपने प्लांटर में बना रहे हैं। इसके अलावा और भी कोई पैटर्न आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांटर भी मेरा बॉटल प्लांटर है और इसमें मैंने अगेव वेरीगेटेड वैरायटी लगाई है और इसमें मैंने कुछ अलग ट्राई किया है। तो आप देख ही रहे हैं किस तरह का डिज़ाइन मैंने इस प्लांटर में बनाया है। तो आप इस तरह के डिज़ाइन भी ट्राई कर सकते हैं। पेंट के लिए मैंने वॉल पेंट का ही यूज़ किया है। इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, बेस में वॉल पेंट यूज़ करती हूँ और ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए मैं एक्रेलिक पेंट का यूज़ करती हूँ। तो ये आप देख ही रहे हैं, इसमें मैंने क्यूट सी इमोजी बनाई है इस प्लांटर में। ये किचन का वेस्ट डिब्बा है, जॉयल के कंटेनर आते हैं उससे मैंने इसको बनाया है, उसमें एलोवेरा लगाया है। अगला प्लांटर मेरा पेंट का डिब्बा ही है। ये एक पेंट का डिब्बा है जिसमें मैंने काफ़ी सुंदर पेंटिंग बनाई है और इसमें मैंने पर्पल हार्ट का प्लांट लगाया है। तो इस तरह के प्लांट इस छोटे से कंटेनर में आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो आप इस तरह के प्लांट को छोटे से कंटेनर में यूज़ कर सकते हैं और इस तरह की पेंटिंग आप अपने प्लांटर में बना सकते हैं। तो ये वीडियो देखने से आपको कई सारे आइडियाज़ हो जाएंगे कि कौन से प्लांट छोटे कंटेनर में लगाने हैं और किस तरह की जो है डिज़ाइन अपने प्लांटर में बनाएं जिससे कि प्लांटर बेहद ही खूबसूरत दिखे। तो अगर आपकी आर्ट अच्छी है तो इस तरह की जो है डिज़ाइन को आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगला प्लांटर है ये मैंने प्लास्टिक बॉटल से बनाया है और इस एनिमल फार्म प्लांटर में मैंने पर्पल हार्ट प्लांट लगाया है। इन प्लांटर को बनाने का मैंने तरीका शेयर कर रखा है कि कैसे बनाना है इस प्लांटर को, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से वॉच कर सकते हैं। और अगला प्लांटर आप देख रहे हैं, इसमें मैंने सेंसिवेरिया लगाया है। छोटा सा बॉटल प्लांटर है और इसमें सेंसिवेरिया बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है। इन प्लांटर को बनाने के लिए मैंने बॉटल के ऊपरी वाले हिस्से का यूज़ किया है और उसे थ्री तरफ से वायर से बांध दिया है और काफ़ी खूबसूरत हैंगिंग प्लांटर बनाया है। इस वाले प्लांटर में मैंने सेंसिवेरिया की ड्वार्फ वैरायटी लगाई है, तो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रही है। अगला जो आप क्यूट सा प्लांटर देख रहे हैं, इसे मैंने एक्रेलिक पेंट की बॉटल से बनाया है और इसमें मैंने पेनीवर्ट लगाया है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।